10 बजे हमने इंशाल्लाह दुआ करनी है, तो मैं इस मुख्तसर से वक्त के लिए दो चार मोटी मोटी बातें हैं कुछ गुजार करके ज्यादा चाहता हूँ। इल्म क्या है? जिसके पास इल्म हो उसकी पहचान क्या है? बस ये आज दो चार बातें करके इजाजत चाहूंगा। जब इल्म जब हिल्म और सिल्म से खाली हो जाता है तो याद रखें वो इल्म बेकार होता है। ये आज की गुफ्तगू चाह रहा था कि नसीहत आमोज हो जाए। कल परसों की एक बात है कि मैं एक महफिल में, परसों की बात है, महफिल में गया था, एक अलामा साहब थे कि माशाल्लाह बड़े आलिम, उन्होंने बस्तर है इस्तेफार उससे पूरी गर्दान सुनाई। ऐसी बातों से आम पब्लिक की जमीन थी, जैसे बोलना मैं शुरू कर दू दारा भाई तबका समय था आगे बड़ा इल्म का समंदर बोला, जबकि रट्टे होते हैं, ये चीजें रट्टी रटाई होती हैं, इसका इन चीजों का इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं समझाना बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे मुआशरे में जैसे पीर का पुत्र भी है, वो कहीं से कुछ पढ़े या सीखे या ना सीखे वो पीर नहीं है ना। और अब अगली नस्ल है जैसे सियासतदान का पुत्र सियासतदान है, चाहे परले दर्जे का जाहिल। अब अगली बात ये आ गई है कि अब आलिम का बच्चा भी आलिम है, ये पहले नहीं था, आज से 10-20 साल 50 साल पहले। क्यों लामा साहब? अब आलम हाल ये बन गया है कि आलम का बेटा भी आलम है, वो कहीं से कुछ पढ़े या ना पढ़े, वो कहीं से कुछ सीखे या ना सीखे। उसे हमारे यहां दो चार जमातें हैं, नाम दूंगा तो फिर एक फितना एक बबा हो जाता है, उनके सरबराहान ना कहीं से पढ़े ना वो कुल्लियतन ही कोई हदीस के मामले में कुछ जानते हैं, इल्मे हदीस है क्या। अब बिलीव करें, एक तो बहुत बड़ी तंजीम के सरबराह, उन्होंने एक किताब भी लिखी, उस किताब में उन्होंने जो हदीस मरवी की किसी साबी की शान में, वो सारे के सारी ज़ईफ, चले ज़ईफ हदीस से
किसी के फजाइल अखज करना जायज है, मगर वो जो रावी आगे बयान करने वाले हैं उनमें से 99 रावियों के मुतल्लिक जो हमारे मुहद्दिसीन ने राय दी है वो ये दी है कि उनका हाल ये है उन रावियों का कि वो जो रावी हैं वो जनाब हैं ही जाहिल या झूठे, मन गढ़ंत अहादीस वो बयान करते हैं। तो खैर मैं उस मौजू की तरफ नहीं आऊंगा, वक्त मेरे पास इतना सा है। याद रखने के आलिम बनता है इल्म से, और इल्म के साथ जब तक किसी आलिम के सीने के अंदर हिल्म ना आए, बर्दाश्त ना आए, वो आलिम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ना ही वो सियासतदान कहलाने के काबिल है, ना ही वो पीर कहलाने के काबिल। मैंने मौजू आ चुके, मुझे पता था दूर दराज से लोग जो थोड़े बहुत आएंगे वो आएंगे, इन बातों को जरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा खुदा के लिए। बस इसको मैंने आज नहीं चाहा कि मैं वाह वाह करूं, ठीक है। आप कहीं से पूछना पड़े, इससे कबल के मैं आगे चलूं, इमाम मालिक की एक बात बड़ी खूबसूरत। इमाम मालिक अपने शिगिर्दों से जो उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें पता क्या कहते हैं, कहते हैं भाई हमारे यहाँ ना एक तस्वर है, मुझे मेरे दोस्त बड़े कहते हैं कि आप सब अच्छा भला माशाल्लाह बोल लेते हैं, किसी अच्छी मरकजी जामा मस्जिद में जाके बैठ जाए, जरूरत ही नहीं है आपको आगे पीछे जाने की, बड़ा पैसा मिलेगा, सब वो छोटे छोटे लोग हैं बैठे हुए मसाजिद में, आपके पास तो फन खिताबत भी है, तो छोड़े आप ये काम काज करना। इमाम मालिक की बात सुना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते ग्रामी के पास जब आपके लोग पढ़ने के लिए आते तो आप उन्हें फरमा दो मेरे पास पढ़ना है तो साथ आपको फन सीखना पड़ेगा कोई ना कोई रोजगार के लिए। हर एक को ये फरमाते फन सीखो साथ रोजगार के लिए। ये बात जब शाह वक्त तक जा पहुंची, ये इल्मे दीन सीखने के लिए मैं पैसा देता हूं सबको सिखाएं आप उनको ये फन दुनिया का फन सीखने के लिए क्यों भेजते हैं, जवाब दें इसका। इमाम मालिक ने फरमाया अगर ये सिर्फ इल्मे दीन पढ़े तो कल को पेट पालने के लिए दीन को बेचेंगे, और अगर ये कोई ना कोई साथ फन सीखा तो दीन को फैलाएंगे, मोहब्बत को आम करेंगे, इल्म का नूर आम करेंगे, और पेट पालने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहां तो तसव्वुर ये है कि आप मदरसे में चले जाएं, बेटा आलिम बन गया उसके बाद छोड़े क्या करना है पढ़ गया। मिलाद के मकसद को या हुजूर के जिक्र के मकसद को हमने कुल्ली यतन ही फेल कर दिया। इल्म की तरफ हमारा ध्यान एक मुसलमान आलिम तो आलिम रह गए, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो इल्म सीखे। और याद रख लें सिर्फ इल्मे दीन सीखना नहीं, इल्मे शरी सीखना नहीं, उसे हर तरह का इल्म आना चाहिए। मैं फर्ज वाजिब की बात नहीं कर रहा, हुजूर के उम्मती होने के तवस्सुत के साथ ये बातें मैं आगे करता हूं। मैं 10 बजे इंशाल्लाह इसको जहां तक जा पहुंचे इसे खत्म कर दूंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने फरमाया कि जब तुम्हें इल्म हासिल हो जाए तो तुम्हारे किरदार पर भी इल्म नजर आना चाहिए। आलिम की पहचान बता रहे हैं। फिर फरमाते हैं और आलिम जिसमें इल्म आ जाए, जब आलिम कोई अपने आप को अपने नाम के साथ अल्लामा फहामा लिखवाए उसके अंदर, फिर फरमाते हैं लोगों सुन लो उसके अंदर पहले गुरदुबारी देखो,
हिल्म देखो, तहम्मुल देखो, अगर है उसे आलिम समझ लो, अगर नहीं है उठा के बाहर फेंक। हम आलिम समझते हैं जो स्टेज पे बैठ के बड़के मारे फतवे दे। उलमा आलिम है, आलिम वो होता है जिसको देखकर लोग दीन के करीब आए, ना के दीन से दूर भाग। आलिम हमेशा जब किसी के साथ इख्तलाफ करेगा तो वो इल्म की बेस पर ही करेगा, किसी को स्टेज पे बैठ के गाली हरगिज नहीं देगी, उसका काम ही नहीं। गाली ही देनी है तो फिर एक गली में जाने वाला शख्स, बात समझ रहे हैं, गली में जाने वाला एक शख्स, एक रेड़ी वाला शख्स, उसमें और आलिम में फर्क बचता खत्म। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, लैस अल इल्मु मा हुफिजा अल इल्मु मा नफा। फरमाया इल्म वो नहीं जिसे याद कर लिया जाए, इल्म वो है जो ऐ इंसान तुझे नफा दे, जो इंसान की इंसानियत जिससे ना इंसान को जाकर हो सके वो इल्म नहीं। आलिम के दिल में इमाम शाफी फरमाते हैं, एक तो वुस्सत हो कि कोई उसके साथ है। मुझे पता है ये बातें 90% तबका को अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं यार हम वो बम बोर हो रहे हैं, उसमें वाह वाह वाली बातें नहीं आती। मगर बिलीव कीजिए मकसद तनकीद नहीं है, सिर्फ चंद बातें समझाना। आलिम का सीना जो है एक वुस्सत हो उसके अंदर, किसी के इख्तलाफ को बर्दाश्त कर सके। आलिम के सीने के अंदर नफरत नहीं हो सकती, और आलिम की जुबान पर गालिब गुलूच नहीं हो सकता। आगे अलामा सहल बिन अब्दुल्ला दुस्तरी फरमाया करते थे, दुनिया को लोगों को नसीहत करते, फरमाया लोगों अंबिया का जमाना गुजर गया, अब किसी नबी ने नहीं आना, अब अगर कोई शख्स यह चाहता है कि वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे, वो फरमाते हैं कि वो आलिम की मजलिस में बैठे। उसके आगे लिखते हैं उलमा को नसीहत, ए बेटे सुन, तेरी मजलिस पाक लग से, झूठ से, गीबत से, और तेरी मजलिस का एक अपना अलग वकार नजर आए। फिर फरमाते हैं कि इतने आप किरदार में अखलाक में आला नजर आए, इतने अखलाक में किरदार में आला नजर आए कि जो भी कोई आपके पास आए आपको आके गाली दे। फरमाया बेटे आलिम का काम है उस गाली को भी रोकने के लिए अपने इल्म का सहारा ले, कुरान और हदीस से उसे जवाब दे, कहे बेटा गाली जायज नहीं। आगे आ जाइए, देखिए आप पहचान, अब देखिएगा हम है ना आशिक रसूल अहले सुन्नत, सारे आशिक रसूल, समझ नहीं आती ये आशिक कैसा है। मस्जिद में जाके हुल्लड़बाजियां शुरू कर दी, दीन के नाम पर आप खाना शुरू कर दिया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी का तरीका दावत देखिएगा और हमारे मौजूदा दौर के जो हालात और अहवाल सामने रखिएगा। आकर इस्लात वसलाम की ज़ात ग्रामी ने बादशाहों के नाम खत लिखे,
पहला खत 5 सन नबूवत को आपने नजाशी को लिखा, हबशा के बादशाह, और उस खत के लिए आपने अमर बिन दमैया किया उनको भेजा। नजाशी का असल नाम सहमा था, और याद रख लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने तकरीबन आपके ज़माना मुबारक में इतने भी इर्द गिर्द के बादशाह थे, हर एक को खत लिखा, और खत का लुब लुबाब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुना। पहला खत लिखा, इस्लाम कमजोर था, 5 सन नबूवत को मक्का बाग में थे आप, मक्का के हालात आप सब जानते हैं, हाल क्या थे, इस समझ कुछ नहीं थी कि सुबह कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। चंद एक मुसलमान थे उठी भर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी ने खत लिखा, उस खत के 2-4 का रिमांड था, नजाशी बादशाह था, अभी कमजोर है मुसलमान, उसे फरमा रहे हैं फइन्नी अना रसूलुहु, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल कर ले, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखरत भी संवर जाएगी। खत लिखा जा रहा है, अभी कमजोर है, और आखिर में फरमाया अगर तू इनकार कर देगा तो फिर मेरी बात सुन, तो तेरी कौम के गुनाहों का जो बोझ है वो भी सारे का सारा तुझ पर ही होगा। खत लिखा जा रहा, दावत दी जा रही है इस्लाम। दूसरा खत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ने बहरैन के बादशाह को लिखा, मुनज़र बिन सावा अल अबदी। अब ये लिखा हिजरत के 6 साल, हिजरत के 6 साल ये खत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। अब उसमें भी अब इस यहां पर सुलह हुदैबिया हो चुकी थी, जंगे जिन कुफार के साथ टल चुकी थी, रियासत मदीना का कयाम आ चुका था, मुसलमान ताकत पकड़ चुके थे, मुसलमान और लीडर थे ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिराम में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी ने उसे भी यही लिखा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस्लाम कबूल कर, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखरत भी संवर जाएगी। आगे फरमाया नहीं कबूल करेगा तो फिर सुन ले, तेरी जो कौम है उनके गुनाहों का बोझ भी तुझ पर है। अब इससे कबल बकिया जो और खत हैं जिनका थोड़ा सा मुतालिया है, उस याद रख ले लुब्बे लुबाब हर खत का यही था, किसी एक खत के अंदर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। हत्ता के गज़वा बदर हो चुकी थी, फिर उसके बाद गज़वा उहद हुई, फिर खंदक हुई, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी जंगें हुई, फिर आखिरी जमाना में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ने जब इस्लाम का बहुत रोब और दब दबा बन चुका था, उस वक्त जो आका ने खत लिखा वो बुसरा के बादशाह हारिस बिन उमैर को लिखा, उसमें भी यही लिखा इस्लाम कबूल कर, तेरी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी, नहीं कबूल करेगा। फिर आगे ये नहीं कहा आज के मौलवी की तरह, फिर सीधा होगा मेरा फतवा आया। हमारे यहां हालत है ना, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी बात के साथ कोई इख्तलाफ करता, हम उसके मुखालिफ हो जाते,
जो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो को काट काट कर उस शख्स के अंदर जो उसने बात नहीं कही होती वो भी डालते हैं, आम आवाम को गुमराह करते हैं कि अंदर उन्हें शोर मचाया है, कुल बकू यहां कोई सुन न ले किसी दीदवर की बात। ये हाल बड़ी बड़ी जमातें हैं, लीडर उसकी तालीम क्या है, सिर्फ मैट्रिक, शायद मैट्रिक भी नाम फेल, मैट्रिक फेल। फिर आगे आगे हमें दलील यह दी जाती है, इल्मे शरीयत काफी है। किसने कहा सिर्फ इल्मे शरीयत पढ़ लेने से आप हर तरह का फतवा देने के काबिल हो गए? ज़ियाद उम्मत जिस तस्वीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसूल तफसीर के बयान में यह लिखा, किसी शख्स के फतवा देने के लिए, फतवा देने के लिए आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं उसके पास कम अज कम 50 उलूम का होना जरूरी है, और आगे फरमाते हैं जिसने कुरान पाक का तर्जमा करना हो इसको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते ग्रामी ने भी लिखा कि उसके पास 158 उलूम का होना जरूरी, उसमें मैथ भी आता है, याद रखिए, उसमें इल्मे सियासियात भी आता है, इल्मे मुआशियात भी आता है, इल्मे इक्तसादियात भी आता है। और इस दौर में आपने फतवा देना है, मुफ्ती बनना है, इस दौर में तो आपको आईटी का तो सारा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। आप इन चीजों से वेले हैं तो आप एक मुफ्ती नहीं बन सकते। हमारे मदारस के अंदर बड़ी मादरत के साथ यह एक चीज है, वो अभी आज तक यही पढ़ाया जाता है, बस ये काफी है, ये काफी है, इससे बिना आगे ना जाना वो तो अंग्रेजों का काम है, गोरों का काम, वो तो सारा अंग्रेज का काम है। उस आम में मैंने एक बहुत बड़े शेख अल हदीस को भी ये अल्फाज कहते हुए सुना, उनका एक स्टूडेंट था जिसे स्कूल पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो कहते जा आए अंग्रेजी सट्टे, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अल्फाज मैंने उनसे को, मैं उनका नाम लूंगा, मुझे पता है बहुत सारों को गुस्सा लग रहा है, बहुत सारों जो इस तरह के अल्फाज बोला कर। कुरान पाक की सूरह हामीम सजदा की आया करीमा है, पांच मिनट टाइम रह गया है, ये बड़ी तरह तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वामिला सालिहन वकाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फरमाया और उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी होगी, आला हजरत का तर्जुमा, और उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी हो जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान। आगे फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफा बिल्लती अहसन फाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हबीब। आलिम की पहचान है, फरमाया लोगों सुन लो, नेकी और बुराई बराबर नहीं, नेकी और बुराई बराबर नहीं। और फरमाया बेटे, बुराई को दूर करने के लिए बड़ी तवज्जो तलब बात, अहसन बात कह, बुराई को खत्म करने के लिए शोर न डाल। हमारे यहां तो ना जब मुनाजरे भी होते हैं ना, मुनाजरे भी होते हैं, जिसकी आवाज ज्यादा भारी होती है वो हम हम समझते वाह वाह क्या बात है, उसने अगले वाले को बोलने नहीं दिया, बड़ा आलिम है, वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता,
अगले बंदे की बात ही ना सुने, वो आलिम कैसा है? ऐसी सियासतदानों के बारे में जो यावियां मारे, बेगैरतियां मारे, किसी की किसी के मरने पर मजाक करे, वाह वाह बहुत बड़ा सियासतदान। वो सियासतदान नहीं होता, वो जाहिल होता है परले दर्जे का। और आपके मुल्क के अंदर 99% ये किया। रब कह रहा है बंदे कोई आगे से बुरा बोले, तू अगर अपने आप को मेरा बंदा समझता है तो तुझे तेरे रब का हुक्म ये है, उसकी बुराई का जवाब, उसकी गाली का जवाब अहसन सुपरलेटिव निकले। सिर्फ ये नहीं कहा कि अच्छी बात कर दे आगे, तो मैं उसकी बुराई का जवाब इतना आला दे, अहसन, जितनी आला बात तू कर सकता है ना, आला बात उतनी आला बात कर दे। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़ाइज़ अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम। अल्लाह पाक फिर क्या कर देगा कि तुझ में और तेरे उस दुश्मन के दरमियान ऐसी दोस्ती पैदा कर देगा कि गोया कि जैसे वो तेरा कोई गहरा दोस्त हो। रब कह रहा किसी मौलवी की बात नहीं है, मालिक का फरमान कह रहा है कि बंदे ऐसा कि अंदर से दुश्मनी खत्म हो जाए। कि किसी को दावत देनी है हमारे मसलक का गैर है, जब आप उसे पहले ही अपने स्टेज पर बैठे बैठे कह देंगे, किसी ईसाई को देनी है उसे पहले आप अपने स्टेज पे बुलाएं ही ना, आपने किसी शिया को किसी दूसरे मजहब वाले को किसी को मक्ता फिक्र दो बंद से आप चाहते हैं कि वो आपके मसलक में आ जाए, आप पहले यहां बैठे बैठे फतवा दे दें, आप हैं ही गुस्ताख रसूल। फतवे तो हमारे यहां पड़े हुए हैं मुफ्त में, आप क्या दे दिए, आप हैं ही ऐसे, आप हैं ही बलियों के गुस्ताख। वो कहेगा जब मैं हूं ही गुस्ताख तो मुझे फिर मैं तेरी बात क्यों सुनूं। ये काम ना अल्लाह ने अपने कुरान में किया कि जो तो तुम्हारी बात ना सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को अल्लाह पाक ने फरमाया उदु इला सबीली रब्बी का बिलीक हो, कि महबूब हिकमत के साथ लोगों को दावत दी और फिर अच्छी बात करो, हिकमत और अच्छी बात। ये था वो जो एक हम मिजाज लोगों के लिए, हम मिजाज लोगों के लिए कि मुसलमान मुसलमान को दावत दे, तो ये उसके लिए था। आगे फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने किसी गैर मुस्लिम को दावत देनी हो तो फिर अहसन पे चला जाए, फिर अच्छी नहीं सिर्फ अच्छी बात से काम नहीं चलेगा, फिर फरमाया अहसन तरीका अपना। अब हमारा हाल क्या है कि हमने दूसरे मसलक को तो हमने गैर मुस्लिम को तो क्या ही दावत देनी है, मेरे अपने मसलक का है ना कोई, मेरी सोच उसके साथ नहीं मिलती, मेरी सोच उसके साथ किसी मसले पे इख्तलाफ है, उसने जहन में ही बिठाया होता है इसे मैंने मजलस में जाके जलील करना, मजलिस में जाके इसे हमने जलील करना है। जब जहन में ये है जलील करना है और फिर ये कहना है उसे हमने अपनी मस्जिद में नहीं दावत देनी, हमारा हाल ये है। 90% देख लें जो आलमी दीन इस तरह का काम करे, अपने स्टेज पे किसी ईसाई को बुला ले, यहूदी को बुला ले, काफिर को बुला ले, अब यकीन से जानिए क्या उन पे फतवे नहीं आते, नहीं फतवे आते। खुदा के लिए गुजारिश यह है कि मिलाद के सिर्फ मिलाद को हुजूर की उस पर कोई शक नहीं है, विलादत मुबारका के बड़े मोजज़ात कोई शक नहीं है उसमें, मगर वो देखे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार क्या था, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुश्मन गालियां दें,
आगे से क्या था वो जब पता ना, जब आप मदीना पाक में आ रहे थे वो बुढ़िया का वाक्या सुना होगा आपने किसी बार, पूछा अम्मा जी कहाँ जा रही हो, उसने नहीं देखा था, हुजूर को देखकर कहने लगी है वो उसने बड़ा सारा अपना सामान पैक किया हुआ था जा रही थी। पूछा बुढ़िया अम्मा जी कहाँ जा रही हो, वो सुना है एक ऐसे ऐसे शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है वो आने वाला है, आह बस उसने आपको देखा नहीं हुआ था, वो ऐसा है। अब हमारे यहाँ मदारस के अंदर, मैं बड़ी मादर चाहता हूं हमारे अपने मदारस के अंदर यही कहानी है, हम इदारे में पढ़ने जाते हैं हमें पढ़ाया जाता है फुला जो आलम दीन है ना उसकी ये भी गुस्ताखी है, उसको तो पल्ला ही कुछ नहीं है, उसके तो है ही कुछ नहीं है। जिस बच्चे के इस इब्तदाई दौर में ही ये बातें डाली जाएं, उसका ज़ेहन आगे बढ़कर वो तनकीदी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा, वो इस्लाही कहां से बन जाए। खुदा के लिए इस रवश से निकलना है। चल देखिए ना, मैं आज कुछ और चीजें पढ़ रहा था, तारीख़े तबरी को पढ़ रहा था कि उन्होंने जो नबुव्वत के मुजज़ात के हवाले से जो बातें की, फिर उन्होंने एक अभी किबला फरमा रहे थे कि बैतुल्लाह शरीफ पर झंडे का लगना विलादत मुस्तफ़ा के वक्त, मशरक में झंडा लगना, मगरब में लगना, कहते हैं झंडा लगा इससे मुराद क्या है, वहां उससे मुराद सिर्फ जो मजहबी माइंड है वो क्या लेता है कि झंडियां लगाना चाहिए शरीयत, बस हमने ये मुराद दी है, ठीक है एक सोच हो सकती है, राय हो सकती है, मगर दूसरी राय क्या थी जो जय्यद फुकहा की है, मुफस्सरीन की है, इमाम फखरुद्दीन राजी की है, वो ये फरमाते हैं इससे मुराद इल्मे मुस्तफा था कि मशरक से लेकर मगरब तक और शमाल से लेकर जुनूब तक हर तरफ इल्मे मुस्तफा ही हो जाएगा। आगे आप देख लेंगे, आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा, हमारे वो स्टूडेंट या वो मां बाप जो सिर्फ एक मजहबी सोच रखते, सिर्फ एक टिपिकली मजहबी सोच, जिनके हाँ ये है कि इल्मे शरीयत ही सब कुछ है, इल्मे साइंस का कुछ फायदा नहीं, वो ज़हन में रखिए। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया, अब याद रखें इमाम फखरुद्दीन राजी आपने 1100 साल कबल 200 किताबें मेडिकल साइंस में लिखी, कितनी किताबें लिखी कब, 1100 साल कबल मेडिकल साइंस में लिखी, और आपने किताब लिखी अलहावी मेडिकल साइंस पर, 20 जिल्दों पर आपने मेडिकल साइंस का एनसाइक्लोपीडिया पेश किया, 20 जिल्दों पर। इब्ने सीना की किताब अल कानून, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और हत्ता के माउंट गुमरी, सर आबिद साहब, आबिद वसीम साहब दर्शन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़ी लिखी शख्सियत हैं, जानते होंगे आप में से और शख्स की जो साइंस के साथ रिलेटेड है, बड़ा मुहक्किक है यूरोप, ये कहता है कि इब्ने सीना की जो किताब है अल कानून सबसे ज्यादा यूरोप में आज तक की जो पढ़ी गई है वो यही पढ़ी गई। हमारी जो नौजवान नस्ल है कि हम पुराना जमाना था एक, आज से 200-400 साल बैठ चले जाए एक छत के नीचे,
मदरसे के अंदर भी, उधर ही साइंटिस्ट बनते थे, उधर ही सियासतदान बनते थे, उधर ही सारा कुछ बनते थे। बड़ी साजिश के तहत, बड़ी साजिश के तहत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, आपने क्या समझा उनके बारे में? आम लोगों को यही पता है बस एक शायर थे, शेर व शायरी करते थे बस, शेर या उन्होंने जो तर्जुमा किया है बस। याद रख लें, आला हजरत जब तक हयात थे आपके जमाने में पूरे यूरोप के अंदर, बड़े सिर एशिया तो एशिया, पूरे यूरोप के अंदर आपके जमाने में आपके मद्दे मुकाबल मैथ का शख्स कोई नहीं था। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मेरे नंगे नाम नहीं उनके भी याद, मैंने अपनी दूसरी डायरी के अंदर लिख के रखे हुए थे, जो यूरोप से चलकर आपके पास मैथ्स के जो मसाइल थे वो समझने के लिए आते। याद रख लें, इस्लाम से कबल साइंस का वजूद नहीं था, इस्लाम से कबल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो केमिस्ट्री का कोई वजूद नहीं था। जोसेफ जॉर्ज साल्टन इस मौजूदा सदी में यूरोप का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने पिछली जो 14 सदियां 16 सदियां इस्लाम से 2 साल कबल से लेकर आज तक उसने जो बड़े बड़े साइंसदान थे उनका नाम लिखा, और हर सदी एक साइंसदान के नाम पे उसने मंसूब किए। 8वीं सदी यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी के ठीक एक साथ बस आखिरी बात तक जाना चाहते। मुझे पता है आप अक्सर मुझे कहेंगे मजा नहीं आया आज, मगर थोड़ी सी बातें समझाना चाह रहा हूं खुदा के लिए, थोड़ा इल्म की तरफ आ जाओ। जॉर्ज साल्टन वो लिखता है, कहता है कि 8वीं सदी यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईस्वी 100 साल बाद उसका उसने जो टाइटल दिया है सदी का सबसे बड़ा साइंसदान, उन्होंने जाबिर बिन हयात को लिखा। ऐसे उसने आगे 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 11 सदियां पिछली जो गुजर चुकी है, एक 2 साल कबल, 2-3 साल कबल, ये याद रखना कि सारी की सारी एक ईसाई ने मुसलमान साइंसदानों के नाम पे लिखी। आज हमारा हाल क्या देखिए ना, हम चाहते हैं हुजूर के दीन को तख्त पे ले आए, अब हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है, आप एक सिर्फ एक जो बेचारा मदरसे में सारी जिंदगी पढ़ा है उसे साइंस का नहीं पता, उसे दूसरा इकोनॉमी का नहीं पता, उसे इल्म मुआशियात का नहीं पता, उसे सियासियात का, इक्तसादियात का, वो मैथ के शोबे में जीरो है, फलां जीरो है, वो यहाँ बैठ के आके इसको तख्त पे आके बैठ के क्या करेगा? तो यही कहेगा बम मार दो साहब, मार दो बस, उसने और क्या कहना है? जैसे आपने अपने सियासतदान बिठाए हैं, मैट्रिक पास है, कोई एफए पास है, वैसे हमारे यहां मैट्रिक पास बंदे बड़े बड़े ओहदों पे आ जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब इनकी जो हम आपके सियासतदान है, इनकी कभी जरा आप तलीमी तरह इनकी काबिलियत चेक कर लीजिए, इनको वोट डालने वाले को हैं पीएचडी होल्डर, मास्टर किए हुए, खुद इनकी तलीम क्या है? जीरो। और हम क्या है? हम अपने आप को हुजूर के गुलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी वाहिद नबी
जिनके बारे में रब कहे वाल्लमा का मालम तक तालम, मुस्तफा हमने आपको हर तरह का इल्म दिया। तो जब हुजूर हमारे पैगंबर किसके, पहली चीज इल्म के, तो आशिक को भी चाहिए ना कि अपना लीडर कोई आलिम चुने, इल्म वाला चुने। मुझे समझ नहीं आती इश्क कैसा है जो आपको जाहिलों के पीछे ले जाता। सिर्फ इश्क यही समझा है कि हुजूर के नाम पे जाके मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ, मगर किसी दुख में जाओ ना। जाहिलों के पीछे जाके क्यों मर जाएं? खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें, थोड़ा सा पढ़ने की तरफ आए, मूवीज के ड्रामास देख लें, इनसे क्या मिलता है। आज तक तो देखा है किसी ने मूवीज और ड्रामे देख के बहुत बड़ा साइंसदान बन गया। बातें भी और बड़ी आगे इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैंने 10 बजे से कह के आप लोगों को 15 मिनट ऊपर बिठा दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अपना जौक और शौक बदले, जौक और शौक बदले। पर एक बात आखिरी बात करके जानना चाहता हूँ, क्योंकि हुजूर के वालिदैन आशिक बड़े बैठे हैं। आज मैंने एक अजीब बात पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के मुतल्लिक, आज जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ी। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्ला, अपने ज़माने में आप जैसा हसीन कोई नहीं था, और दूसरी बात हुजूर के वालिद मोहतरम से बड़ा आपके ज़माने में कोई आलिम भी कोई नहीं था। ये इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा, सिर्फ गोद में कायनात का सबसे बड़ा आलिम माने। कैसे हो सकता था कि रब आपके वालिदैन को इल्म की रोशनी से दूर रखता। इल्म हमारी विरासत है, अल्लाह पाक हाजिरी को कबूल करे। इख्तलाफ करें हर एक के साथ, मगर दायरे के अंदर है, सब जायज है। वालिदैन के साथ भी जायज है, मगर अदब का दायरा। जब कहीं भी गाली आ जाए, फतवा आ जाए, फलाई है ही नहीं, तो समझ लें वो आलिम है ही नहीं, परले दर्जे का जाहिल है। अल्लाह पाक मिलाद का सदका हम सबको इल्म की रोशनी से मालामाल करवाए। वो हमारे मिलाद।